केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी सांसदों एवं विधायकों के द्वारा लगातार कार्यक्रम करके उपलब्धियां गिनाने का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित मनीषी महिला पीजी कॉलेज में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश शर्मा के साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज एवं सांसद प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक ने जनसभा में मौजूद लोगों से सीधा संवाद किया। इसके उपरांत मीडिया से बात करते हुए सांसद महोदय जब कानपुर दंगे पर नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अखिलेश यादव जैसे राजनैतिक दुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ऐसे हैं जिन्हें देश टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में गृह युद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति जीवित रखनी है, इससे इन्हें वर्ग विशेष के वोट मिल रहे हैं, इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। केंद्र सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने के लिए एक गरीब कल्याण सभा का आयोजन किया गया था। तमाम जो है योजनाएं सरकार चलाई जाती है, किसानों को अभी भी आवारा पशु से निजात नहीं मिल रही, परेशान है, जबकि सरकार योजनाएं चलाई है लेकिन वो कहीं जो है किसानों को उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर इस बार इन जानवरों को चलाने के लिए भूसा भी खरीदा गया है, लगातार गौशालाएँ भी बन रही हैं, और इसका किस प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है वो सारी पहलू पर काम हो रहा है। कानपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं, उनका यह भी कहना है कि भाजपा लगातार दंगा करा रही है, इस पर क्या कहेंगे, किस बयान को किस तरह देखते हैं आप? देखो, अखिलेश जैसे राजनीतिक तुष्टिकरण करने वाले लोग, जो देश टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में गृह युद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल इनकी राजनीति जीवित रहे और एक विशेष वर्ग का वोट इनको मिलता रहे, तो ये जिनकी चिंता है वो उनके पास सिवाय झूठे तथ्य रखने के सिवाय कोई काम उनका नहीं है, तो इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।